हेलो माय व्यूअर्स, आज आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ इंग्लिश की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बत सिखाने जा रहा हूँ कि हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। ये समस्या लगभग हर किसी के सामने आ जाती है कि यार अंग्रेजी हम पढ़ते लेते हैं, पढ़ आसानी से लेते हैं, लेकिन हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, हमको इसको अर्थ करते नहीं आता है। तो आज मैं अर्थ इंग्लिश से हिंदी की ओर अर्थ करने की बहुत अच्छी सरल सी ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक आप जरूर फॉलो करना। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हिंदी से हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर करते हैं, उसमें यह था कि आप हिंदी में वर्ड दिए हैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी उस वीडियो को बेसिक फर्स्ट वीडियो है उसको आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट के अंदर उसमें मेरी वीडियो दी हुई है। आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ कि हम अंग्रेजी से हिंदी की ओर ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। आपको मैं एक फार्मूला है कुड, जो कि मॉडल से वुड जिसका अर्थ होता है सका, सकी, सके या मर्द होता है, इस मॉडल्स के फार्मूले के सहारे आपको मैं एक अर्थ करना सिखा रहा हूँ। ये एक छोटा सेंटेंस है, इस छोटा सेंटेंस है, इससे फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और ये सबसे बड़ा सेंटेंस है, लेकिन अर्थ हम इसका कैसे करेंगे वो आपको खास में तरीका आपको सिखा रहा हूँ। तरीके पर आप ध्यान रख देना इसमें। यू कुड डांस, यू कुड डांस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले तो तुम मतलब होता है यू, सॉरी यू, यू मीन्स तुम। अब यहाँ से अर्थ स्टार्ट करेंगे हम, लास्ट से स्टार्ट करना, पहले आपको डांस लेना है और फिर फार्मूला आ जाएगा कुड। तो तुम नाच सके, तुम नाच सके, इस प्रकार का सेंटेंस बन गया। अब ये थोड़ा सा और बना हो बड़ा हो गया, करना आपको यहीं से है, यहाँ से स्टार्ट करना आपको। पहले मेरी जाएगा, फिर इन आएगा, फिर डांस आएगा, और फिर इसके बाद आपका फार्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू मीन्स तुम। अब लास्ट से स्टार्ट करना है, तुम शादी, मैरिज मतलब शादी, द मैरिज मतलब शादी, मे इन, इन के लिए लगाएंगे हम मे, प्रीपोजिशन है ये, तुम शादी में नाच, डांस मतलब नाच, और कुड मतलब सके, तुम शादी में नाच सके, यू मतलब तुम शादी में नाच सके। उसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस है, और थोड़ा और बड़ा सेंटेंस है, यहाँ तक का है, लेकिन बनाना उसी वे से बनाना, आपको वही तरीका है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना, आपको पहले योर फ्रेंड्स आ जाएगा, फिर विथ, फिर मैरिज, वही सबसे पहले वही स्टार्ट करना आप लोगों, सब्जेक्ट यू, यू मीन्स होता है तुम। इसी प्रकार से हमको लास्ट में स्टार्ट करना, योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स मतलब होता है तुम्हारे मित्र, तुम्हारे मित्र, फिर विथ, विथ मीन्स के साथ, प्रीपोजिशन से विथ के साथ, मैरिज द मैरिज शादी, इन मतलब में, डांस नाच, और कुड सके, इस प्रकार से लास्ट स्टार्ट करा। अब इस प्रकार करते हैं हम, ये सेंटेंस और थोड़ा, इसी सेंटेंस और तीसरे सेंटेंस, चौथे सेंटेंस और ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन वही तरीका रहेगा, हम इसी तरीके से उसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका आप इस कैस में आएगा 5 मिनट्स फॉर योर फ्रेंड्स विथ, इसके बाद हम द मैरिज इन डांस और कुड, इसी प्रकार से एक के बाद एक सेंटेंस हम लेते जाएंगे। किसी भी सेंटेंस को बीच में से उठाना नहीं है आपको। सब्जेक्ट आपका यू आ जाएगा, यू मतलब तुम। अब उसी प्रकार लास्ट से स्टार्ट करना है, 4 5 मिनट्स, 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट, 5 5 मिनट, फोर, फोर मतलब के लिए। आप देखिए एक के बाद एक सेंटेंस आ रहा है, यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदी में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में से पीछे से एक के बाद आता जा रहा है। केवल आपको पहला सब्जेक्ट जो है वो लेना, बाकी सब पीछे से। 5 मिनट्स के लिए आ गया, 5 मिनट, फोर के लिए, इसके बाद आ रहा है योर फ्रेंड्स तुम्हारे मित्र, तुम्हारे मित्र फ्रेंड्स है, तुम्हारे मित्रों, तुम्हारे मित्रों विथ के साथ, तुम्हारे मित्रों के साथ मैरिज शादी, इसके बाद इन मतलब में शादी,
शादी में डांस नाच और कुड मतलब सके सके इसके इसी प्रकार से वन बाय वन करके आपको पीछे से रहना। ये सबसे बड़ा सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इसको भी आप उसी प्रकार से आपको इसी वे में बनाना है। सबसे पहले आपका स आ जाएगा सब्जेक्ट तुम, अब सेम वही रो आ जाएगा, वन बाय वन करके रहना है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा है द स्केच ऑन 5 मिनट्स फॉर फिर योर फ्रेंड्स विथ मैरिज इन डांस और कुड। आप देखिए सब बिल्कुल वन बाय वन करके, वन बाय वन करके एक सेंटेंस आ जा सकता है। तुम द स्टेज स्टेज मतलब होता शादी के, शादी में जो स्टेज बनाया जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑन द स्टेज मतलब स्टेज के ऊपर तुम, तुम स्टेज ऑन के लिए आता पर, तुम स्टेज पर 5 मिनट्स 5 मिनट फोर के लिए योर फ्रेंड्स तुम्हारे मित्रों विद के साथ, के साथ शादी शादी इन में नाच कुड मतलब सके। आप देख लो कितना बड़ा से छोटा, और छोटे से छोटा भी इसी प्रकार से बनाए, बड़ा भी उसी प्रकार से बना, उसी प्रकार से बनाना। एक बार वंस अगेन इस बड़े सेंटेंस को फिर रिपीट कर देता हूँ। आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यू, यू मतलब तुम, आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। द स्टेज तुम स्टेज ऑन पर 5 मिनट्स 5 मिनट फॉर के लिए योर फ्रेंड्स तुम्हारे मित्रों विथ के साथ मैरिज शादी इन में डांस नाच और कूद का सके। तुम स्टेज पर 5 मिनट के लिए तुम्हारे मित्रों के साथ शादी में नाच सके। इस प्रकार से आपको सेंटेंस वन बाय वन करके बनाना है और आसानी से आप बना सकते हो। बस इसके अंदर तरीका ये है, इसके अंदर आपको इनमें मीनिंग का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मीनिंग याद है, वर्ब्स याद है, तो इन सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हो। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आती है वर्ब, बिना वर्ब के आप इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। और वर्ब को याद करने के लिए मैंने मेरी एक वीडियो बनाई है, आप भी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। आप उस वीडियो को देखने के बाद आपको चारों वर्ब की जो चारों फॉर्म है उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, उस घंटी को आप बजाइए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।